मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे लसा और मसम में अनुपात पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो, रेशियो वाले क्वेश्चन एलसीएम एचसीएम से हम कैसे बनाएंगे, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि 40, 50 और 60 का अनुपात क्या होगा, 40, 50 और 60 का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात निकालने का मतलब इसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने का मतलब इसको कटा के छोटा करना। कटेगा, कटाना है इसको, हम सोचेंगे किस संख्या से ये तीनों कटेगा, और जिस संख्या से कट जाएगा उससे कटा देंगे, पता करेंगे ये किस संख्या से तीनों कट जाएगा। जिस संख्या से ये तीनों कट जाएगा वो संख्या ये तीनों का एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ क्या होगा? 10। 10 से 40 में भाग देंगे, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60। ठीक है, तो 40, 50, 60 का अनुपात क्या आ चुका है बताओ, 40, 50, 60 का अनुपात क्या होगा? तो 4:5:6। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी संख्या का अनुपात निकालना हो तो उनका एचसीएफ निकाल करके उससे भाग दे देते हैं, तो जो मानक रूप आता है वही तो अनुपात कहलाता है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, इसी प्रश्न को अगर हम उलट के पूछ दें कि तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है और एचसीएफ 10 है, तो वो संख्या क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, वो संख्या क्या होगा? अभी अभी आपने देखा कि गिवेन नंबर को उनके एचसीएफ से भाग देने पर ये अनुपात आया। ठीक है, अब अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है, हमें गिवेन नंबर निकालना है, तो बस भाग दिए तो रेशियो आया, तो हमें संख्या निकालना है, तो एचसीएफ से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। बाबू संख्या में एचसीएफ से भाग दिए तो रेशियो आया, तो रेशियो से हमें संख्या निकालना है, तो रेशियो को एचसीएफ से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या होगा 4 × 40, दूसरी संख्या होगा 5 × 50 और तीसरी संख्या होगा 6 × 60। ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि अगर किसी संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उनका एचसीएफ दिया रहे तो संख्या निकालना हो तो एचसीएफ में उनके रेशियो से गुणा करने पर संख्या आ जाता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात या तीन संख्याओं का अनुपात है ए अनुपात, बी अनुपात, सी, और उनका एचसीएफ एक्स है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि तीन ही संख्या रहे, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तीन संख्याओं का अनुपात ए अनुपात, बी अनुपात, सी है, एचसीएफ है एक्स, तो पहली संख्या बराबर होगा ए गुणे एक्स, पहली संख्या बराबर होगा ए गुणे एक्स, दूसरी संख्या बराबर होगा बी गुणे एक्स, और तीसरी संख्या बराबर होगा सी गुणे एक्स। ठीक है, अब समझ गए ना, रेशियो को एचसीएफ से गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा है, मजा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग इस पे आधारित। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे क्वेश्चन ही नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, एच सी एफ 7 है, तो संख्या क्या होगा? तो संख्याएं क्या होगा?
संख्याएं क्या होगा हमें निकालना है बच्चों, तो संख्या ज्ञात करें, संख्याएं हैं ठीक है, संख्याएं हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन है ठीक है, ध्यान लगाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, एचसीएफ 7 है, तो संख्याएं ज्ञात करें ठीक है। अब बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला संख्या निकालना है, रेशियो दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, तो रेशियो को एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या आ जाता है, तो पहला संख्या होगा 8×7, पहला संख्या होगा 8×7 यानी 56। दूसरा संख्या होगा बाबू, रेशियो क्या है 8:11, रेशियो है 8:11 और एचसीएफ है बाबू 7 ठीक है, तो पहले 8 को 7 से गुणा किए, फिर 11 को 7 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या हो गई 77। एक बार 8 को 7 से गुणा तो 56, फिर 11 को 7 से गुणा 77, दोनों संख्या आ चुका है हमारा 56 और 77। ये रेशियो दिया है और एचसीएफ दिया है तो इसको गुणा करेंगे, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगा, 11 को 7 से गुणा करेंगे दूसरी संख्या आएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना गौर फरमाना, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात है 8:9, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात है 8:9 ठीक है, और कहा गया है कि HCF है 14, तो LCM क्या होगा ठीक है, LCM क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों NTPC 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन है ठीक है, आपके पास असाइनमेंट में होगा। दो संख्याओं का अनुपात है 8:9 और HCF है 14, तो LCM क्या होगा, ये असाइनमेंट है ना आपके पास, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहां से लोड कर लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात है 8:9, एचसीएफ है 14, तो एलसीएम निकालना है ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे पहली संख्या, ये रेशियो में कितना है बाबू 8 और एचसीएफ कितना है 14, तो पहली संख्या होगी 8×14। दूसरी संख्या निकालेंगे हम लोग ठीक है, दूसरी संख्या रेशियो में कितना है 9 और एचसीएफ कितना है 14, तो 9×14, रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्या निकल जाता है। अभी हमारा सिर्फ क्या आया, पहली और दूसरी संख्या, बच्चों हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, तो आइए हम एलसीएम निकालते हैं, अभी हम सिर्फ संख्या निकाले हैं पहली और दूसरी, अब एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो बाबू 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा 72, 14 तो कॉमन है तो 14 ही रह गया, गुणा कर लेंगे 14 दुनी के 28 के 8 हाथ में लगा 2, 14 साथ 98 में 2 जोड़ देंगे 100, ये आया हमारा 1008 ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, ध्यान लगाएंगे और गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन में, कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4:6 ठीक है, तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:6 और एलसीएम है 600, एलसीएम है 600, तो पूछा गया है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:6, एलसीएम है 600, हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो बच्चों ध्यान लगाएंगे, एलसीएम का रेशियो से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता है, रेशियो से किसका रिश्ता होता है एचसीएफ का, क्योंकि रेशियो का एचसीएफ से रिश्ता होता है इसलिए हम एचसीएफ मान लेंगे, माना कि एचसीएफ एक्स है। अब बच्चों ध्यान देंगे, एचसीएफ मालूम है और रेशियो मालूम है, HCF मालूम है और रेशियो मालूम है तो संख्या निकल जाएगा, रेशियो के प्रत्येक पद में HCF से गुणा करने पर संख्या आता है, तो पहला संख्या हो गया 3 को x से गुणा किए 3x, दूसरा संख्या हो गया 4 को x से गुणा किए 4x और तीसरा संख्या हो गया 6 को x से गुणा किए 6x ठीक है। अब बाबू क्वेश्चन में एलसीएम दिया गया है तब हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं ठीक है, तो 3, 4, 6 का लघुतम, ये तीनों संख्या का लघुतम निकालना, एक्स 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 तो कॉमन है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, 3, 4, 6 का लघुतम क्या होगा 12, एलसीएम आ चुका हमारा 12x जिसका मान है 600, तो x बराबर 600 बट्टे में 12
यानी कितना 50। x यानी क्या आ चुका आपका HCF, HCF को ही x माने थे और x आ चुका आपका 50 यानी HCF आ चुका 50। मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां से आप क्या सीखे, ये 600 क्या था LCM था और ये 12 क्या था 3, 4, 6 का LCM था। 600 में आपने 12 से भाग दिया यानी LCM में 3, 4, 6 के LCM से भाग दिया तो HCF आया। यानी यहां से आप फॉर्मूला बना लिए बाबू, ध्यान लगाएंगे गौर फरमाएंगे कि यहां से आप फॉर्मूला बनाए कि HCF बराबर LCM बट्टा में LCM, ये LCM क्या था 600 था और उसमें 3, 4, 6 के लघुतम से भाग दिया, 3, 4, 6 का लघुतम यानी रेशियो का लघुतम, HCF बट्टा में LCM बट्टा में LCM ऑफ गिवेन रेशियो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये फॉर्मूला आपका बन गया, कब जब आपको HCF निकालना हो तो LCM में रेशियो के LCM से भाग दे देंगे तो HCF आ जाएगा। जी हां दोस्तों, समझ गए क्या फॉर्मूला कहां से आया, पूरी तरह समझ गया। अब इसी फॉर्मूला से हम डायरेक्ट बनाएंगे, आगे अब क्वेश्चन आएगा तो हम इतना नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है तो HCF बराबर LCM हो गया 600 अब बट्टा में LCM ऑफ गिवन रेशियो, 3, 4, 6 कर LCM, गिवन रेशियो का LCM 3, 4, 6 का LCM क्या होगा 12, तब आ चुका हमारा 50। ठीक है, तो आगे से ये क्वेश्चन आएगा तो x नहीं मानना है आपको, HCF निकालना है तो LCM बट्टा में LCM ऑफ गिवन रेशियो। ठीक है, अच्छा है, मजा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुलारे विद्यार्थियों, ठीक है आप लोग अच्छे हैं ना, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा रहे हैं ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है आपके बाद, बीच में यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4:5, 3 संख्याओं का अनुपात है 3:4:5, LCM दिया गया है 2400, LCM दिया गया है 2400, तो पहली संख्या निकालना है। 3 संख्याओं का अनुपात है 3:4:5 और LCM दिया गया है 2400, 3 संख्याओं का अनुपात है 3:4:5, LCM है 2400, तो पहली संख्या निकालना है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान लगाएंगे, ये रेशियो दिया है LCM दिया है, तो पहले हम क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF, तो HCF बराबर अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं LCM बट्टा में LCM ऑफ गिवन रेशियो, पढ़े हैं ना बाबू LCM बटा LCM ऑफ गिवन रेशियो, तो वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो लगाएंगे हम फॉर्मूला HCF निकालने के लिए, HCF बराबर LCM बटा LCM कितना है 2400 बट्टा में LCM ऑफ गिवन रेशियो, गिवन रेशियो क्या है 3, 4, 5, इसका लघुत्तम होगा 60। ठीक है, 0, 0 कैंसिल, ये कटा कै बार में 40 बार में। ठीक है, अब हमें रेशियो भी मालूम है और संख्याओं का HCF भी मालूम है, रेशियो भी मालूम है और संख्याओं का HCF भी मालूम है। क्वेश्चन में पूछा गया पहली संख्या बताइए, तो बाबू पहली संख्या निकालना है, अगर रेशियो मालूम हो और HCF मालूम हो तो संख्या निकल जाता है रेशियो को HCF से गुणा करके, रेशियो में पहली संख्या कितना है 3 और HCF क्या है 40, अतः पहली संख्या आ चुका हमारा 120। ठीक है, समझ गए, बना लीजिएगा रेशियो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।